अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबीता शौकत, रसाई न्यूज़ के साथ एक नज़र हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की ज़ेरे सदारत रावलपिंडी में कोर कमांडोज कॉन्फ्रेंस, मुल्क भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद में पनामा लीक्स कमीशन के TORs पर मुशावरत और आइंदा का लाहे अमल मुरतब करने के लिए अपोजिशन जमातों का अजलास। वज़ीर आज़म के इस्तीफे, चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन के मुतालबे और बैन अल-अक़वामी ऑडिट फर्म की खिदमात हासिल करने पर इत्तेफाक। रोजाना धरनों और एहतजाज के हालात में सरमायाकारी नहीं होती, तरक्की का सफर बगैर किसी रुकावट के जारी है। मुखालिफीन 2018 तक और इसके बाद के लिए भी सब्र करें और कमर कस लें। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का क्वेटा में हेल्थ कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब। पहले वज़ीर आज़म को मुजरिम साबित करें, फिर इस्तीफा मांगे। PP और PTI का पनामा लीक्स पर इत्तेहाद चोर मचाए शोर वाली बात है। जलसों की आड़ में सिस्टम को डीरेल नहीं होना चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सैनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की रहीम यार खान में न्यूज कॉन्फ्रेंस। शकील अफरीदी पाकिस्तानी है, किसी को हमें डिक्टेट करने का हक नहीं। शकील अफरीदी की किस्मत का फैसला डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, पाकिस्तानी अदालत ने करना है। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू पर रद्द अमल। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद खान का कहना है कि महाजर कौम के मसाइल के लिए 90 जाने या उन्हें खुशामदीद कहने के लिए तैयार हूं। भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव ने दौरान तफ्तीश मुल्क भर में मौजूद सहूलत कारों के सरगर्म होने का इंकशाफ कर दिया। मुल्क में महंगाई के तूफान में एक बार फिर तेजी आ गई। गुज़िश्ता एक माह के दौरान मुर्गी, ताज़ा फलों, सब्जियों और दालों की कीमतों को जैसे पर लग गए। मिस्री फौज की सहराए सीना में दाइश के खिलाफ जमीनी और फिजाई कार्रवाई, 24 अक्सरियत पसंदों को हलाक करने का दावा। साबिक भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की जिंदगी पर मबनी बॉलीवुड फिल्म अजहर के नए गाने की वीडियो जारी कर दी गई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने दौरा इंग्लैंड के लिए तरबियती कैंप में शामिल 35 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। शाहिद अफरीदी, अहमद शहजाद और उमर अकमल को नजरअंदाज कर दिया गया है। हेडलाइंस आपने मुलायजा की, तफसीली खबरें जानते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक, और अब जानते हैं खबरों की तफसील। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की ज़ेरे सदार कोर कमांडोज कॉन्फ्रेंस का इजलास। मुल्क भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की ज़ेरे सदार रावलपिंडी में कोर कमांडोज कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस इजलास में कोर कमांडोज ने मुल्क भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्क में तरक्की का सफर बगैर किसी रुकावट के जारी है, लिहाजा मुखालिफीन 2018 तक और इसके बाद के लिए भी सब्र करें और कमर कस लें। क्वेटा में बलोचिस्तान में हेल्थ कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे अंदाज़ा है कि इलाज गरीब आदमी की दस्तरस से दूर होता जा रहा है, और जो लोग गुरबत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन्हें तो अपने प्यारों के इलाज मुआवजे के लिए घर बार भी बेचना पड़ जाता है। मुझे बलोचिस्तान बहुत अजीज़ है, इसलिए हमने आज़ाद कश्मीर के बाद सबसे पहले बलोचिस्तान में ये स्कीम शुरू की।
इस स्कीम के जरिए से मूजी और महंगे मर्ज का इलाज भी बगैर किसी मुआवजे के होगा और ये अमल रुकेगा नहीं बल्कि इस स्कीम का दायरा कार मरहलावार पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि जिस मुल्क में अमन व इस्तेकाम ना हो, रोज़ाना धरने होते हों, एहतजाज हो, अफरा तफरी का आलम हो, तो ऐसे हालात में सरमायाकारी नहीं होती। हमने जब 2013 में हुकूमत संभाली तो मुल्क में लोड शेडिंग थी, अमन अमान की सूरत हाल भी ख़राब थी, लेकिन अब लोड शेडिंग की सूरत हाल कदरे बेहतर है। 2017 में इसमें कमी होगी और 2018 लोड शेडिंग के खात्मे का साल होगा। हम लोड शेडिंग का मसला पिछली हुकूमतों के लिए नहीं छोड़ कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। फौज और पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है, जिसकी वजह से हालात में नुमाया बेहतरी आई है। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि कराची में ऑपरेशन को किसी मसलहत का शिकार नहीं होने देंगे। कराची ऑपरेशन के जरिए शहर की रोशनियाँ बहाल और बदअमनी का खात्मा हो रहा है, जिसकी वजह से तजारती सरगर्मियाँ भी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर काम जारी रखे हुए है और हम पर आज तक एक रुपये की करप्शन का भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। तरक्की का सफ़र बगैर किसी रुकावट के जारी रहेगा। इससे कबल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मस्तों, कलात और मुल्हिका इलाकों को गैस की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह किया। उन्होंने ज़िला किला सैफुल्ला में अनायतुल्ला का रेस गुलिस्तान को गैस की फराहमी, बरूरी रोड गोलीमार चौक पर इंटरपास की तामीर, कोयटा में जरगून रोड पर एक और इंटरपास की तामीर और लोरेलाई डीजी खान बिजली ट्रांसमिशन मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कोयटा में 7 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया है। कोयटा में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 5 अरब रुपये के 7 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने सिविल सेक्रट्रिएट के नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। सिविल सेक्रट्रिएट ब्लॉक 14 की तामीर 59 करोड़ 11 लाख रुपये में मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आज़म ने खसदार दाऊद ट्रांसमिशन लाइन का भी इफ्तिताह किया। 2274 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन पर 7 करोड़ 34 लाख रुपये की लागत आई। वज़ीर आज़म ने लोरेलाई डीजी खान ट्रांसमिशन लाइन का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने जरगोन रोड अंडरपास का संगे बुनियाद रख दिया। अंडरपास की तामीर आइंदा साल मई तक मुकम्मल होगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि कराची समेत बड़े शहरों में अमन बहाल कर दिया, जबकि मुल्क में अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल से इक्तसादी इस्तेहकाम पैदा हुआ है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान आलमी तजारती तंजीम के साथ वसी शराकत दारी चाहता है, जबकि पाकिस्तान तजारत से मुतलिक कवानीन को बेहतर बना रहा है। चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबों पर 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है, जिससे खित्ते के करोड़ों अफराद का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि खित्ते में राबतों और इक्तसादी राहदारी मंसूबों पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। तजारती कवानीन से आलमी सतह पर अशिया की तरसील में मदद मिलेगी, जबकि सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 10 मई को ताजिकस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दुशंबे रवाना हो गए। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान ताजिकस्तान की आला क़ियादत के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत के फ़रोग समेत दीगर अमूर पर बातचीत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में दिफा, तवानाई, तजारत, सकाफत और मौसलात के शोबों से मुतलिक तबादला ख्याल होगा। दौरे के दौरान 2 तरफ़ा शराकत दारी, फ़िज़ाई और ज़मीनी रबते बढ़ाने पर बातचीत होगी। पाकिस्तान ताजिकस्तान दहशतगर्दी से निमटने और खत्े में अमन व इस्तेकाम लाने के लिए मुश्तरक काविशों पर भी गौर करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान पाक ताजिकस्तान मुश्तरक बिजनेस कौंसिल के अजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ताजिक सदर के हमरा पाकिस्तान कासा हज़ार मनसूबे का अफ्तताह भी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पाक चीन इक्तसादी राहदारी में तआवुन के फ़रोग पर भी बात होगी। ताजिक सदर अमाम अली रहमान ने गुज़श्ता साल नवंबर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताजिकस्तान दौरे की दावत दी थी। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन के TOIs में मुशावरत और आइंदा लाहे अमल मुरतब करने के लिए अपोजिशन जमातों का इजलास इस्लामाबाद में हुआ है। अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे पर इत्तफाक करते हुए पनामा लीक्स पर तहकीकात 8 हफ्तों में मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में एतजाज़ एहसन की रहाइश गाह पर अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म के इस्तीफे, चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन के मुतालबे और पनामा लीक्स की तहकीकात के बैनुल अक़वामी ऑडिट फर्म की खिदमात हासिल करने पर इत्तफाक कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात 6 से 8 हफ्तों में मुकम्मल की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में पनामा लीक्स पर जजेस इजलास से मुतलिक खबरों की तरदीद करते हुए इसे मनगढ़ंत
करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी इलामिया में चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में पनामा लीक से मुतलिक मीडिया पर चलने वाली खबरों को बेबुनियाद और मन घड़त करार देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस की सरबराही में जजेस का कोई इजलास नहीं हुआ और पनामा लीक्स के मामले पर मौजूद अदालत के जज साहिबान ने कोई मशवरत नहीं की। मीडिया पर खबरें गर्दिश करती रहीं कि चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने दौरे तुर्की के बाद आज अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए पनामा लीक्स के मामले पर जजेस से मुशावरत की है। इस्लामाबाद में लीग रहनुमा अनूशे रहमान, मायजा हमीद और मरियम औरंगजेब इमरान खान पर बरस पड़ी। वज़ीर मुमलिकत अनूशे रहमान का कहना है कि तमाम जमातों में ख़वातीन भरपूर सियासी किरदार अदा कर रही थीं, लेकिन इमरान खान ने नाच गाने की सियासत को फ़रोग दिया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अनूशे रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के जलसे में ख़वातीन के साथ बदसलूकी हुई। इमरान खान ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो इन्हें जलसों में मत बुलवाएं। हमारी बच्चियों की बेहुरमती ने दिलों को छलनी कर दिया है। पाकिस्तान की माँ बहन बेटी को जलसे की नमूदो नुमाइश के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। सॉट अनूशे रहमान। ये बार बार पीटीआई के जलसों में हमने माओ बहनों बेटियों के साथ बदसलूकी होते देखी, हमने उनकी बेहुरमती होते देखी। हमने सुना कि कभी एक कमेटी अनाउंस हो रही है, कभी दूसरी कमेटी अनाउंस हो रही है, लेकिन उन कमेटियों के कोई नतायज निकले क्या? आज किस तक किसी ओहदेदार को उसके जिम्मे उसके ओहदे से हटाया गया? क्या आज तक इमरान खान ने किसी भी अपने ओहदेदार के ऊपर कोई एक्शन लिया? इसका जवाब है नहीं। इसका मतलब ये है कि ये तमाम ओहदेदार किसी ना किसी तौर के ऊपर इस किस्म के मकरूह काम की सरपरस्ती कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था, इमरान खान साहब को शर्म ना आई, खुद वीआईपी गेट से चले गए। इमरान खान नींद से जागे, किसी दुश्मन के साथ ऐसा सलूक नहीं होता जो आपके जलसों में खवातीन के साथ होता है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाहौर के शहरियों को रंगबाज कहा गया, लेकिन लाहौरियों ने आपकी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। आपका लाहौर का मेला लाहौरियों को जलसे में नहीं ला सका। खान साहब, वक्त आ चुका है और मैं उन मीडिया के भाइयों, उन चंद चैनल्स वालों को भी जो गुमराही फैला रहे हैं, कल लाहौर की आवाम ने जमहूरियत के खिलाफ साजिश जो हर सहमाई शुरू होती है जलसियों की, उसके खिलाफ जो ऐलान किया है, उस जलसे में ना जाकर और गलत रिपोर्टिंग हुई, उनको भी अब पाकिस्तान के फ़ायदे की बात करनी चाहिए और इमरान खान साहब को ये पता चल जाना चाहिए कि अब बेवाओं के पैसों पर कब्ज़ा ग्रुप, कर्ज़े माफ़ कराने वाला माफिया जो आवाम को ख़रीद कर, अब वो वक्त गुजर चुका है कि इलेक्शन जीता जा सकता है। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा अज़्म, वो प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान को तरक्की की राह की तरफ लेकर जा रहे हैं, अगर कोई उसकी राह में हायल हुआ, कोई उसकी राह में हायल हुआ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनके लिए ऐलान जंग का ऐलान कर चुके हैं वो मानसेरा में। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम की क्यादत में मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जा रहे हैं। वजीर आजम का मानसेरा में जलसा नहीं मनसूबों का संगे बुनियाद था। कब्जा ग्रुप और बेवाओं के पैसे खाने वाले इलेक्शन नहीं जीत सकते। डिप्टी चेयरमैन सैनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि इल्जामात की बुनियाद पर वजीर आजम से इस्तीफा मांगना दुरुस्त नहीं है। वजीर आजम को मुजरिम साबित करें, फिर इस्तीफा मांगें। रहीम यार खान में कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि इस वक्त सियासी दर्जा हरारत 50 दर्जा सेंटीग्रेड पर चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पनामा लीक्स पर इतहाद चोर मचाए शोर वाली बात है। उन्होंने कहा कि जलसे जलूस और धरने हर जमहूरी पार्टी का हक है, लेकिन जलसों की आड़ में निज़ाम को डीरेल नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि एक दूसरे को चोर कहने वाले टीओआर बनाने के लिए एक साथ बैठ गए हैं, तहम अगर किसी किस्म की साजिश की गई तो आवाम की अदालत फैसला करेगी। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए तलाल चौधरी का कहना था कि आज बनने वाला इत्तेहाद चोरी बचाने के लिए है और सब कर्जा माफ़ कराने वालों पर पर्दा डालने के लिए सब इकट्ठे हो गए हैं और सारा इत्तेहाद करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ नहीं बल्कि इत्तेहाद बनाओ चोरी बचाओ के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि एक सरकारी मुलाजिम का बेटा खरबपति कैसे बना और मोटरसाइकिल से जहाज तक का सफ़र कैसे तय किया। बड़ी बड़ी गाड़ियों और जहाज़ों वाले जल्द कौम के सामने जवाबदेह होंगे।
तलाल चौधरी का कहना था कि इमरान खान ने अपने लोगों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। जहांगीर तरीन ने कर्जे क्यों माफ़ करवाए? खान साहब ने आसिफ जरदारी से दोस्ती किस शर्त पर की? इस बात का जवाब दें। जिसको बिल्लो रानी कहते थे, जब से वो बिल्लो इमरानी हुई है वाह वाह हो रही है। और जिन्हें कहते थे कि काफ लीग वाले सबसे बड़े डाकू हैं, इनसे इमरान खान ने किस शर्त पर हाथ मिलाया है? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने का बिल मुस्तरद कर दिया है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने के बिल पर बहस की गई। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत चेयरमैन महमूद बशीर विर्क ने की। महमूद बशीर विर्क ने कहा कि जज असल काम नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद पहले ही ज़्यादा है, जिसे कम होना चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने मजीद कहा, हमारे जजेस सिर्फ समाजी मुआशी मामलात पर बात करते हैं। अखबारों में बड़ी सुर्खी लगे, टीवी पर बहस हो, इन केसेस की समाअत हो और अज खुद नोटिस लिया जाता है। भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव ने दौरान तफ्तीश मुल्क भर में मौजूद सहूलतकारों के सरगर्म होने का इंकशाफ कर दिया। ज़राए के मुताबिक कुलभूषण यादव ने इंकशाफ किया है कि रॉ का एजेंट मोहम्मद रिजवान बलोचिस्तान के कई दौरे कर चुका है, जबकि रॉ के सहूलतकार पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। इनके अलावा ज़राए ने दावा किया कि भारतीय एजेंट ने सियालकोट में भी रॉ के सहूलतकारों की मौजूदगी का इंकशाफ किया है। दूसरी जानिब हुकाम ने रॉ के सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन पंजाब के शहरों तक वसी करने का फैसला कर लिया है, जबकि मोहम्मद रिजवान से मुतालिक सिक्योरिटी इदारों को रेड अलर्ट जारी कर दी है। महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन आफाक अहमद खान कहते हैं कि महाजिर कौम के मसाइल के लिए 90 जाने या उन्हें खुशामदीद कहने के लिए तैयार हों। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हम तसादुम नहीं चाहते, मुतहदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी जब चाहे राबता करे, महाजिर कौम के मसाइल पर बात हो सकती है, वो चाहे मेरे पास आए मैं खुशामदीद कहूँगा या मुझे दावत दें मैं 90 जाने को तैयार हूँ। आफाक अहमद का कहना था कि महाजिर नौजवानों को बचाना चाहते हैं, मैं महाजिरों की सियासत से कभी दस्तबरदार नहीं हूँ। आफाक अहमद खान का कहना था कि मैं कोई खिलाड़ी नहीं जो विकटे गिराऊँ, हर किसी को हक है वो जिस पार्टी में जाना चाहे जाए। रॉ के नाम पर किसी कौम को बदनाम करने की बजाय जिम्मेदारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के मैदानी इलाकों में बदस्तूर गर्मी की लहर बरकरार है, जबकि कई शहरों में लोड शेडिंग के बायस अवाम सड़कों पर निकल आए और वापटा के दफातर पर हमले भी किए। गर्म हवाओं के थपेड़ों से परेशान हाल अवाम लोड शेडिंग की मुसीबत को भी बर्दाश्त कर रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ अवाम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। सबर का पैमाना लबरेज हुआ तो पेशावर में शहरियों ने एहतजाजन रंग रोड और चार सदा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी और मुजाहरीन ने रंग रोड जमील चौक पर एहतजाजी कैंप भी लगाया। इधर डेरा इस्माइल खान में शहरियों ने वापटा के दफ्तर का घेराव कर लिया और पथराव करते हुए दफ्तर का गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। शहरियों का इश्तियाल देखकर वापटा एहलकार भाग निकले, जबकि मुजाहरीन ने दफातर के शीशे और फर्नीचर तोड़ दिया। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग से बेहाल लोगों ने चार सदा नौशहरा और सवाबी में भी मुजाहरे किए। मुजाहरीन का कहना था कि रिकवरी को इशू बनाकर बिल अदा करने वालों को बिजली से महरूम करना जालिमाना पॉलिसी है। आलमी तजारती इदारे के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए बरामदात के शोबे में तरक्की के वसी मौके मौजूद हैं। उन्होंने तवानाई का मसला हल करने पर जोर दिया। डीजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तवानाई बहरान कम होने की सूरत में पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे की पेशगोई। इस्लामाबाद में वजीर तजारत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी इस्तेहकाम की तारीफ, इक्तसादी तरक्की आलमी मेयार के मुताबिक करार दी। वफाकी वजीर तजारत खुरम दस्तगीर का कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर कर मौशी इस्तेकाम की जानिब गामजन है। आलमी तजारती तंजीम के डीजी ने पाकिस्तान पर बरामदात बढ़ाने के लिए मसनूआत में जिद्दत लाने और खिदमात के शोबे पर तवज्जो देने का कहा। ज़रात पर सब्सिडी में बरतजरीज कमी का मशवरा दिया। और अब पेश हैं आलमी खबरें। तुर्क आर्मी ने फिजाई हमले में कम अज़ कम 34 दाइश जंगजुओं को हलाक कर दिया। फिजाई हमले में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान, तुर्क फ़ौज ने इससे तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि दाइश की जानिब से मुसलसल रॉकेट हमलों के जवाब में कार्रवाई अमल में लाई गई। जवाबी हमले का मकसद जनूबी तुर्की के सरहदी टाउन क्लिस को महफूज बनाना है, जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से दाइश की जानिब से रॉकेट हमलों की जद में था। तर्जुमान के मुताबिक तुर्किश आर्मी ने जवाबी कार्रवाई शाम के इन इलाकों में की जहाँ दाइश ने कंट्रोल हासिल करके मुकामी अफराद का कत्ल आम शुरू कर दिया था।
तर्जुमान का कहना है कि तुर्किश फौजी की जवाबी कार्रवाई में 34 दाइश जंगजुओं को हला कर दिया गया, जबकि तुर्की पर रॉकेट हमलों और फायरिंग के लिए बनाए गए 5 मोर्चे भी तबाह कर दिए गए। तर्जुमान का ये भी कहना है कि दाइश के खिलाफ ऐसी जवाबी कार्रवाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है जिससे दाइश को कमज़ोर किया। मिस्री फौज ने सहराए सीना में जंगजू तंजीम के खिलाफ ज़मीनी और फिजाई कार्रवाई करते हुए 24 अक्सरियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक मिस्री फौज ने सहराए सीना में अपाची हेलीकॉप्टरों के जरिए कार्रवाई करते हुए शिद्दत पसंद तंजीम के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके दौरान 24 अक्सरियत पसंद मारे गए, जबकि कार्रवाई में 30 से ज्यादा जंगजुओं के जख्मी होने की भी इतलात हैं। मिस्र के सिक्योरिटी हुकाम ने ऑपरेशन की तस्दीक करते हुए कहा कि मिस्री फौज ने अलशेख जऊद के जनूबी इलाके और रफा में अक्सरियत पसंदों के ठिकानों पर ज़मीनी और फिजाई हमले जारी हैं, जहाँ 20 जंगजू हलाक हुए, जबकि अलकूर के मुकाम पर फोर्सेस की जानिब से एक गाड़ी को निशाना बनाया गया जिसमें 4 जंगजू सवार थे। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मिस्री फौज ने सहराए सीना के अलशेख जवैद रिफा और जनूबी अल अरेश के इलाकों में ज़मीनी और हवाई कार्रवाई करके 38 शिद्दत पसंदों को हलाक किया है। साबिक भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की ज़िंदगी पर मबनी बॉलीवुड फिल्म अजहर के नए गाने की वीडियो जारी कर दी गई है। तू ही ना जाने के बोल पर मबनी इस गाने को सोनू निगम और प्राकृति कारकर की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गाने के बोल राकेश कुमार ने लिखे हैं। टूनी डिसूजा की हदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में इमरान हाशमी साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसके लिए इमरान हाशमी ने क्रिकेट की ट्रेनिंग भी ली है। फिल्म की दीगर कास्ट में नरगिस फखरी, प्राची देसाई, लारा दत्ता, हुमा कुरैशी और गौतम गुल लाटी शामिल हैं। एकता कपूर के प्रोड्यूस करदा फिल्म 13 मई को रिलीज़ की जाएगी। और अब खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान टीम और ए टीम के नामों का ऐलान कर दिया। मोहम्मद हफीज़ की दौरा इंग्लैंड में शिरकत इनकी फिटनेस से मशरूत है। शाहिद अफरीदी, अहमद शहजाद और उमर अकमल दौरा इंग्लैंड के लिए मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल नहीं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कहा कि अहमद शहजाद और उमर अकमल का डिसिप्लिन अच्छा था, ना कारकर्दगी। रिकॉर्ड देखकर अहमद शहजाद और उमर अकमल को नहीं लिया। बोर्ड हमें गाइड कर सकता है लेकिन अपने फैसले खुद लेगी। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सिलेक्शन कमेटी सख्त इकदाम करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 14 महीने में सिर्फ 6 T20 खेलने हैं। मेरा ख्याल है नए लड़कों को वक्त देना चाहिए। शाहिद अफरीदी को थोड़ा वक्त मिलेगा, वो बेहतर परफॉर्मेंस देकर आएगा तो इसके नाम पर ज़रूर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ए के तरबियती कैंप से भी लड़का दौरा इंग्लैंड में शामिल हो सकता है। चीफ सेलेक्टर का कहना था कि सलमान बट बहुत अच्छा खिलाड़ी है लेकिन वो 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेला। सलमान को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया। हमारी नीयत साफ़ है, मोहम्मद इरफान को अभी आराम की ज़रूरत है। शाहिद अफरीदी की फॉर्म और फिटनेस अच्छी होगी तो लाजमी खिलाएंगे। तरबियती कैंप के लिए मुंतखब खिलाड़ियों में मोहम्मद हफीज़, समी असलम, हारिस सुहेल, राहत अली, अमाद वसीम, इफ्तखार अहमद, अजहर अली, शर्जील खान, खुरम मंजूर, शान मसूद, असद शफीक, मिसबाउल हक, यूनस खान, अकबरुल रहमान, खालिद लतीफ़, सरफराज अहमद, अदनान अकमल, आसिफ जाकिर, अनवर अली, बिलावल भट्टी, सुहेल खान, इमरान खान, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, शुएब मालिक, बाबर अजीम, फवाद आलम, रिजवान अहमद और दीगर शामिल हैं। मोहम्मद हफीज़, हारिस सुहेल, राहत अली, अमाद वसीम की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। पीसीबी ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से राबते का फैसला कर लिया। मोहम्मद आमिर और सलमान बट के वीज़ा मसाइल हल करने में मदद की दरख्वास्त की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इन्हीं मामलात पर पीसीबी ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से राबते का फैसला कर लिया, जिसमें वीज़ा मसाइल हल करने में मदद की दरख्वास्त की जाएगी। मोहम्मद आमिर और सलमान बट को 2010 में स्पॉट फिक्सिंग केस में जेल की सज़ा हो चुकी है। मोहम्मद आमिर और सलमान बट को बरतानिया से डीपोर्ट किया गया था। बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले और डीपोर्ट किए जाने वाले शख्स को 10 साल तक बरतानिया का वीज़ा नहीं मिलता। पीसीबी और इंग्लिश बोर्ड वीज़ा मसाइल हल करने के लिए वजारत दाखला को भी मुश्तरका ख़त लिखेंगे। 2014 में भी इंग्लैंड ने मोहम्मद आमिर को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था।
पाकिस्तान की कोचिंग के मजबूत तरीन उम्मीदवार इंग्लैंड के पीटर मॉरिस ने पाकिस्तान की ऑफर मुस्तरद कर दी। कहते हैं खुशी है पाकिस्तान ने ऑफर की, मगर कोचिंग करने के लिए ये ठीक वक्त नहीं। इंग्लैंड पीटर मॉरिस पाकिस्तान के हेड कोच की फहरिस्त में मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे, मगर एक इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान की जानब से ऑफर पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये ओहदा संभालने के लिए अभी वक्त ठीक नहीं। पीटर मॉरिस इस वक्त इंग्लिश काउंटी नोटिंघम शायर के कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। एक साल पहले तक वो इंग्लैंड के कोच थे, मगर खराब परफॉर्मेंस के बायस उन्हें कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही हटा दिया गया था। और अब पेश है मौसम की सूरत हाल। मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला आज रात से पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसकी वजह से मंगल से जुमेरात के दौरान इस्लामाबाद, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में वक्फे से कहीं कहीं तेज़ हवाओं, आंधी और गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा बलाई सिंध और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी सोमवार से बुध के दौरान तेज़ और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि कोयटा, सोप और सिबी डिवीजन में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहा। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़।